फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर वेल. सो वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विन ऑफ डेनिका. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल ट्विन ऑफ डेनिका को सब्सक्राइब करिए. वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए. तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करें. देख सकते हैं कि दोपहर के टाइम पे आज किस तरह का मौसम हो चुका है. अभी 3 बजने लगा हुआ है और बिल्कुल बादल छाने लगे हैं. फिर से बारिश का मौसम हो रहा है. आप खुद ही देखिए कैसा, मतलब हल्की हल्की बूंदाबांदी भी मुझे लग रहा है स्टार्ट हो गई है, हल्की सी, लेकिन पूरे बादल छा चुके हैं. दोपहर का टाइम है और यही टाइम जो रहता है हमारी दिवाली की सफाई का, कहीं कपड़े धोने का काम तो कहीं और भी जो चीज़ें रहती हैं, कुछ कुछ हम धोते ही रहते हैं सफाई करने के हिसाब से. तो देखिए, लेकिन मौसम ने पूरा साथ देना मना कर दिया है और इस तरह से ख़राब, मतलब पूरा बारिश होने स्टार्ट हो चुकी है. और यही है, मैंने भी इतना सारी चीज़ें धोई थी ना कि मतलब सब मुझे फटाफट से उठाना पड़ा, कुछ सूख भी नहीं पाया. और आज ऐसा लग रहा है आज मौसम खुलेगा नहीं. अभी फ्रेंड्स 3 बज रहा है, जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, 3 से 3:15 के बीच का टाइम हो रहा है और बहुत ही ख़राब मौसम है और खुलने भी नहीं वाला है, ये आप खुद ही देख सकते हैं. तो फ्रेंड्स, बाहर ही आप देखिए, बाहर का अंधेरा देख के आपको लग रहा हो कि रात हो चुकी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये शाम का टाइम है. और मैं दिखाती हूँ आप पहले तो आपको कि कैसा कितना टाइम हो रहा है और फिर आप यहाँ का माहौल देखिए. आज काफ़ी पानी गिरने लगा है यहाँ पर फ्रेंड, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है. दिखाती हूँ मैं पहले तो आपको टाइम. तो फ्रेंड्स, ये देखिए टाइम हो रहा है 5:35, शाम के 5:30 बज रहे हैं अभी. और आपने बाहर का हाल देखा ही, मैं आपको फिर से एक बार दिखा दियो. तो आज देखिए शाम के टाइम में ही पूरा अंधेरा हो चुका है और पानी भी गिर रहा है बहुत. तो आप देख के कहेंगे क्या फ्रेंड्स कि ये शाम के 5:30 बज रहे हैं अभी और पूरा अंधेरा ही हो चुका है और पानी भी गिर रहा है. आज शाम से ही मैंने आपको दिखाया कि 4 बजे से जो पानी गिर रहा है तो ये गिरता ही जा रहा है. अभी थोड़ा कम अभी हुआ है और ये देखो फ्रेंड्स, आज मौसम फिर पानी का हो गया. तो फ्रेंड्स, आज जो है देखिए, जो हमारे यहाँ पहले रखा था जब अवनी का नहीं हुई थी, उसके पहले का है ये एक्वेरियम का पूरा सिस्टम. तो ये आज हम लोगों ने निकाला है अब, क्योंकि ये लोग छोटी थी तो लगता था अपने ऊपर ना गिरा ले, मतलब इस तरह से थोड़ा सा डर रहता था बच्चों के साथ. फिर ये लोग जब होने वाली थी उस टाइम पर भी हम लोग अपने घर चले गए थे तो रख दिया था उसको, क्योंकि काफ़ी टाइम नानी के यहाँ नहीं गए थे. हाँ, नानी के यहाँ नहीं गए थे, दादी के ही यहाँ थे हम लोग. लेकिन घर गए थे तो 3-4 महीने में लौटे थे. उस टाइम पे भी हम नहीं, मतलब इसको कौन इसको देखता है इतने दिन के लिए, तो हमने इसको रख दिया था बंद करके पूरा. तो आज सारा सामान निकाला है क्योंकि हम इसको इस बार फिर से लगाने वाले हैं, एक्वेरियम रखने वाले हैं, क्योंकि एक्वेरियम बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स. तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या था, देखिए. इसलिए हम इसको छत में लेके आ गए हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गंदा है फ्रेंड्स. तो इसमें थी हमारी फिश वगैरह और सारा, और इसमें उसके स्टोन्स और सबको जो भी डेकोरेशन का इस्तेमाल रखा था उस टाइम पे. हाँ, तो और भी जो था वो सब इसी में है. और कुछ जो फिल्टर वगैरह लाइट वाइट सब खराब भी हो गई है, आज 5-5.5 साल हो गया इसको बंद किए हुए. तो ये देखिए, इसमें सब स्टोन्स हैं, डेकोरेशन का सामान है, जो भी था फिल्टर वगैरह और भी हैं इस तरह से. तो देखिए जाएंगे और फिर इसका सब सामान लेकर आना है, तो एक्वेरियम फिर से रखा जाएगा और रेडी किया जाएगा, तो वो हम आपको दिखाएंगे. तो फ्रेंड्स, आज है अवनीनिका की छुट्टी. ये देखिए दोनों लेकिन उठ गई है, 8 बजे तक दोनों उठ गई क्योंकि आदत है उठने की. तो ये देखो, और अवनी को बहुत तेज सर्दी हो गई है, कैसा तो फेस हो गया है. देखो देखो भाई, अभी मैं दवाई देंगे. ओके, और ये अनिका भी सो के उठ गई हैं. दादा आज छुट्टी लिए हैं, दादा सो ही रहे हैं. तो ये देखो, दोनों का टी वी चालू हो गया है, यूट्यूब देखने लगी हैं, और मेरा भी काम स्टार्ट है फ्रेंड्स. देखिए 10:15 हो रहे हैं. क्या हुआ? हाँ, मुँह में आपको भी सर्दी हो रही होगी इसीलिए. और ये है फ्रेंड्स, आज है सबके बच्चों की छुट्टी है, तो मैं आज बनाने वाली हूँ बाटी. तो ये उसका आटा मैंने तैयार करके रखा हुआ है. इसमें मैंने जो है ये आटे में थोड़ा सा बेसन मिलाया है, ज़रा सी चुटकी भर हल्दी, इनो के पाउच, इनो हमने डाला है इसमें, नमक
और थोड़ा सा मौन दिया है, और फिर इसको सान के मैंने रख दिया था रेस्ट के लिए, हाफ एन आवर के लिए एटलीस्ट, आप हाफ एन आवर के लिए तो इसको रेस्ट दीजिए ही। तो अब मैं इसकी बाटी का शेप देने वाली हूँ। दाल और राइस भी बनाया ही है साथ में, और आज जो मैंने भरता भी बनाया है ना, वो मैंने कच्चा वाला भरता बनाया हुआ है, तो वो जो है फ्रेंड्स सिर्फ सबको उबाल लिया था, अभी दे रही हूँ। तो जो सब चीज़ को उबाल लिया था, आलू प्याज टमाटर सबको एक साथ बॉईल किया हुआ था, एक दो तीन सीटी में सब पक गए थे, और बस उसको फिर इस तरह से सबको मिक्स कर लिया है। और ये मेरी बाटी के रखने के लिए इस तरह से इसको गर्म होने मैंने रख दिया थोड़ा सा, जिसमें गर्म हो जाए अच्छा हो जाए। तो चलिए हम देते हैं बाटी का इसमें शेप। तो आज बन रही है दाल बाटी और भरता। चलिए फ्रेंड्स, सभी का लंच वगैरह हो गया है और बस अब हम लोग जा रहे हैं, ये आ चुके हैं। तो आज थोड़ा मार्केट जा रहे हैं मिदनापुर तक, हम लोगों को कुछ कुछ लेना है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया कि एक्वेरियम हम फिर से रखने वाले हैं, पहले रखा था अब फिर हम रखेंगे, तो उसका मछली वगैरह उससे रिलेटेड और भी जो सामान है वो लेना है, और भी कुछ कुछ है, दिवाली है तो कपड़े वगैरह जो भी डेकोरेशन का आइटम, तो ये सब लेने के लिए बस जा रहे हैं। तो रेडी हो गए हैं और अब हम लोग निकलते हैं फ्रेंड्स। मिदनापुर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमने मार्केटिंग जो है शॉपिंग भी करना स्टार्ट कर दिया है मार्केट में पहुंच के। तो बस बच्चों की तो हमने जैसे ऑनलाइन मंगाए थे जो भी कपड़े हैं वो ऑनलाइन आए हैं तीनों बच्चों के, और मम्मी जी मैं और जो ये हैं इनके, हम तीनों के हमने यहाँ से लिए हैं कपड़े। फिर और भी कुछ जो घर के डेकोरेशन के लिए सामान लिया है, उसके बाद जो एक्वेरियम फिश एक्वेरियम जो हमको रेडी करना है उसका सारा सामान लेना है, क्योंकि वो जो ग्लास का जो उसका बॉक्स है वो तो पूरा रेडी है, स्टोन्स हैं, लेकिन जो डेकोरेशन का और सामान है जो उसमें फ़िल्टर यूज़ होता है या उसमें जो हीटर यूज़ होता है तो वो सब लेना है। तो वही सब हम लोग सामान अभी लेने आ चुके हैं, सारा शॉपिंग जो है और शॉपिंग हो चुकी है, लास्ट का काम यही था। तो ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कितनी अच्छी अच्छी एग फिशेज रखी हुई हैं, और बस जो भी सामान है वो हम ले लिए हैं और अब हम वापस जाने लगे हैं। पूरा दिन आज हो गया, मतलब तीन चार घंटे हमको लगे शॉपिंग में यहाँ पर, और बस इस तरह से अब हम लौटने लगे हैं। बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं, शाम हो ही चुकी है, जैसे ही ऑफिस से आए वैसे ही हम लोग तुरंत निकल गए थे। और बस तो चलिए फ्रेंड्स, घर पहुँच के हम आपको दिखाएंगे कि हम अब घर जाके ही हमको तुरंत जो एक्वेरियम रेडी करना है वो हमने कैसे किया है। तो ये जो है व्लॉग, इस व्लॉग को मैं यहाँ पर ही एंड करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, और हमारे वीडियोज़ देखते रहिए।